आई स्टार्ट मेकिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ सेलेब्स, सो मुझे वहाँ से भी बहुत फेम मिली. वो अपने पेज पे चढ़ाते थे वो पोर्ट्रेट्स अपने स्टोरी पे, उनके फैन पेज. दैट स्टार्ट वाज बेनिफिशियल एंड आई वाज एडिक्टेड. सो दैट फेम आई गॉट, आई एम सो हैप्पी. अब स्कूल में भी इस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है. वो जो हमारा आर्ट टीचर था, मतलब उतनी भी प्रेफरेंस उसको नहीं दी जाती थी इस सब्जेक्ट को. अच्छा. सो आई स्टार्ट गेनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम यूट्यूब. दैट वाज बेनिफिशियल फॉर मी. ये मेरा, दिस इज माय आर्किटेक्चर बेस्ड पेंटिंग लाइक द हाउस बोट सी. दिस इज ऑल्सो आर्किटेक्चर बेस्ड एंड आर्किटेक्चरल आर्ट, पेपरमाशी आर्ट. एंड दिस इज द ओल्ड आर्किटेक्चर बेस्ड पेंटिंग. And this is Kandhagar Samovar. Yeah. And this is houseboat scene. तो मुझे लगता है कि हम as a Kashmiri we have lot of inspirations. हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. बचपन से मेरा इंटरेस्ट रहा है इसमें, इस फील्ड, मतलब स्केचिंग में. चीज़ में ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं देता है. सो आई स्टार्टिंग डूइंग इट फॉर माई ओन फन एंड स्टार्टिंग बीइंग माई गुड टाइम पासिंग जॉब. स्टार्टिंग में करता था स्केचिंग फ्रॉम फिफ्थ क्लास. अपना प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा था इंस्टाग्राम. सो उसमें मैंने स्टार्टिंग की ये पोस्ट करने. सो पीपल स्टार्टिंग लाइकिंग इट. यहाँ पर ज़्यादा फैमिली नहीं देखते, मतलब बच्चा ये करना चाहिए, वो पहले देखते अबाउट सोसाइटी. ये मैं नहीं कह रहा गलत है, बट वो भी अपनी जगह सही है, बिकॉज उनका फ्यूचर ढूंढना है अपने बच्चे के लिए. मतलब बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है उनको वो भी सोचना होता है. मतलब उनके सिर पे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आगे बच्चा क्या करेगा, उसने किसने सा तकलीफ का सुन फ्यूचर में स्कीन. विजन नहीं उतना बड़ा कि इससे रिलेटेड कोई भी मतलब ये प्रोफेशनल जॉब बन सकता है. As Pablo Picasso says that the true meaning of life is to find your gift and the true purpose is to give it out. मैंने सोचा मैं अपना सारा आर्ट जो हूँ जो है डेडिकेट करूँ कश्मीर पे. तो आई स्टार्टेड नेचर आर्ट, कश्मीर नेचर आर्ट, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाई द कश्मीर नेचर. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग वर्क ऑन हैंडीक्राफ्ट बेस्ड आर्ट. ओल्ड आर्किटेक्चर प्लेसेस और जो हमारे यहाँ आर्किटेक्चर श्राइन्स थे पहले, तो उनको बना रही हूँ मैं आजकल. मैं आर्किटेक्चर की बात कर रही हूँ, तो आर्किटेक्चर का ऐसा है कि काफ़ी सारा आर्किटेक्चर मैंने देखा कि जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स के पीछे छुपा हुआ है, अगर आप उसको रियलिस्टिक में देखते तो वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो जाती. आज के काफ़ी सारे मकान हैं हमारे, जैसे मकानों के डिज़ाइंस ऐसे होते थे जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है कि देखिए देयर वॉज समथिंग गुड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन कश्मीर. तो कुछ नया नहीं है कि लाइक कि अब यहाँ पर काबिल लोग हैं, कहते हैं कश्मीर के लोग काफ़ी सारे टैलेंटेड हैं. तो इट वाज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि यहाँ पर लोग काफ़ी टैलेंटेड थे. क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, उसके सामने एक टीचर रखा जा रहा है. सो एक वो पढ़ा रही है सारे 40 स्टूडेंट्स को एक ही टॉपिक एक ही चीज़, बट उसको बेयरली पता है कि जो एक क्लास में स्टूडेंट है कोई मतलब समवन इज मेड फॉर फ्लाई, मतलब कोई उड़ने के लिए बनाए, कोई चलने के लिए, कोई तैरने के लिए. उनको अलग फील्ड में देना चाहिए ताकि वो अपने अपने फील्ड में अच्छे से कामयाबी हासिल कर सके. कश्मीर कंफ्लिक्ट इज समथिंग जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, बट या देयर आर नंबर ऑफ मीडिया जो नहीं दिखा रही है लोगों तक. तो हम आर्ट के जरिए इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी को समझाना है दैट कश्मीर में ऐसा हो रहा है तो वहाँ हमेशा लड़ाइयाँ हो जाती है, दैट कोई अग्री नहीं करता है. तो अगर आप आर्ट दिखाएंगे यू डोंट नीड टू स्पीक अप, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रह रहे हो तो इट्स योर ड्यूटी कि आप ऐसा कुछ करें जिससे फ़ायदा आ जाए लोगों को, आपको और आपके नेशन को. तो दैट्स व्हाई मैं कंफ्लिक्ट बेस्ड आर्ट भी करती हूँ. रिसेंटली आई एग्जिबिट माय वर्क इन जयपुर इंटरनेशनल एग्जिबिशन. इट वाज हेल्प बाय सम आर्टिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वाज ऑन इंटरनेशनल लेवल. एंड मैंने वहाँ अपना आर्ट रिप्रेजेंट किया एंड दैट टू कश्मीर बेस्ड आर्ट. तो काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला. यू वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, आई वेलकम. अपना नाम रोशन कर ले, माँ बाप का नाम रोशन कर ले, ये मेरी आरज़ू थी. यस
سپورٹ سانہِ سپورٹ تیوٗت بہٕ چھُس ژھانڈُن کینٛہہ سون سپورٹ چھُ أمِس فُل. اگر بَچہِ یہِ اِنسان ہیٚچھِ بَچَس آسہِ پَنُن دِلچَسپی أسۍ ما ہیٚکو بنٛد کٔرِتھ تٔمِس. أسۍ چھِ أمِس خٲطرٕ ساتھ دِوان دَپان چھِس یہِ ژےٚ خۄش کَری ژٕ کَر تہِ. مٲلِس ماجہِ ہُنٛد سَپوٹ چھُ تی اگر بَچَس ہیٚچھِ کینٛہہ کَرِ سُہ چھُنا اَسہِ خٲطرٕ خوشی.